हेलो दोस्तों, हम फिर से आपके सामने लाए आ चुके हैं। देखिए, कल हम जो टॉपिक पढ़े थे उससे आगे आज हम बात करेंगे प्रबंध के क्षेत्र की और उसकी प्रकृति की। इससे पहले हमने इसके महत्व को पढ़ लिया है और इसकी विशेषताओं के बारे में जान लिया है। आज बात करते हैं सबसे पहले हम प्रबंध के क्षेत्र कौन कौन से हैं, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम क्रियात्मक क्षेत्र की। क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है? तो देखिएगा कि प्रबंधक जो होता है प्रत्येक संसाधन को इतना उचित या इतना पर्याप्त समय देता है कि उस पर जो हमारा समय है वो कम खर्च हो और उससे हम अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सके। तो इसी उद्देश्य से इसे कहा जाता है क्रियात्मक क्षेत्र। संसाधन जिन पर टाइम दिया जा रहा है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, क्रियात्मक क्षेत्र कहलाएगा। क्रियात्मक क्षेत्र को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका आता है व्यावसायिक, दूसरा आपका आता है गैर व्यावसायिक, और तीसरा आपका आता है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में, व्यावसायिक प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र। और इनमें सबसे पहला आता है आपका उत्पादन का प्रबंध। आप जो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कुछ आप उत्पाद बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसका जो मैनेजमेंट होता है उसकी जानकारी हमें उत्पादन प्रबंध के तहत प्राप्त होती है। उसके बाद में आता है सामग्री प्रबंध, यानी हम जो कच्चा माल मार्केट में ला रहे हैं या जो तैयार माल है उनको हम स्टोर कर रहे हैं, इनके संबंध में समस्त जो मैनेजमेंट किया जाता है प्रबंध का, जो सेकंड नंबर पॉइंट है सामग्री प्रबंध, इसके तहत इसे किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं विपणन प्रबंध की। अब देखिए, आप जो कुछ उत्पादन कर रहे हैं या जो कुछ प्रोडक्ट आपने अपने पास में रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में या तैयार माल के रूप में स्टोर किया है, उसका आपको क्या करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग करना, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना। तो विपणन प्रबंध के इस थर्ड बिंदु में उसके संबंध में जो क्रियाएँ होती है उनको किया जाता है। अगला आता है वित्त प्रबंध। अब देखिए, सारी क्रियाएँ, जो कुछ भी क्रियाएं एक व्यवसाय संगठन में होती है, उनमें सबसे बड़ा रोल होता है वित्त का, फाइनेंस। तो फाइनेंस के संबंध में पैसा कहां से आएगा, इसे कैसे खर्च करना है, इसके संबंध में जो भी निर्णय है वो वित्त प्रबंध के तहत लिए जाते हैं। अगला आपका आता है सेवी वर्ग के प्रबंध। अब देखिए, आपका जो संगठन है उसमें ये फिक्स नहीं होता है कि जो कर्मचारी आज कार्य कर रहा है वो कल भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, या एक निश्चित आयु का जब उस वो क्रॉस कर लेता है तो उसे वहाँ से सेवा मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें नए कर्मचारी की आवश्यकता होती है, साथ साथ में जैसे जैसे तकनीकी में बदलाव आता है हमें उसके अकॉर्डिंग भी नए कर्मचारियों की जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति सेवा वर्गीय प्रबंध के द्वारा पूरी की जाती है। यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनका चयन करना, भर्ती प्रक्रिया, ये सब कुछ इसी का भाग है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका कार्यालय प्रबंध। कार्यालय मतलब ऑफिस, जिसमें इन समस्त क्रियाओं के ऊपर प्रत्यक्ष नहीं कह सकते अपन, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। देखिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण किस लिए नहीं होता है, क्योंकि जो कार्यालय होता है वो कार्य क्षेत्र से थोड़ा अलग होता है। वे लोग ऑफिस में रह करके और वास्तव में आपके जो क्रियात्मक क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है उसके संबंध में सारा कुछ एनालिसिस करते हैं और अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए नई नई योजनाओं का जो कार्य बनाने का कार्य होता है वो होता है कार्यालय प्रबंध के तहत। परिवहन प्रबंध, आपने जो कुछ भी उत्पाद तैयार किया है उस उत्पाद को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, वास्तव में आप जहां उसको पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में परिवहन प्रबंध होता है जो इसका कार्यभार संभालता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आयात निर्यात प्रबंध। हमें क्या कुछ मंगवाना है और क्या कुछ बाहर एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मंगवाना क्या है और तैयार माल किनको भेजना है, तो इसके संबंध में जो हमारे कार्य हैं वो होते हैं आयात निर्यात प्रबंध के तहत। इसके बाद में आता है शोध एवं विकास, नए नए खोज करना, मार्केट में जो उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना और उसी के अनुसार कार्य करना, तो इसके लिए क्या कहता है, शोध कार्य किया जाता है। बाजार शोध करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और उपभोक्ता की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है और उसका डेवलपमेंट होता है, विकास किया जाता है।
अंतिम आता है लेखाक्रम प्रबंध। लेखाक्रम मतलब अकाउंटिंग का कार्य जो आपका होता है, लेन देन जितने भी आपने किए हैं वो लेन देन के संबंध में जितने भी आपके क्रियाकलाप होंगे वो लेखाक्रम में लिखे जाएंगे। अकाउंटिंग संबंधी जितने भी आपके कार्य होंगे वो लेखाक्रम प्रबंध के तहत किए जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। गैर व्यावसायिक जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं है लेकिन फिर भी व्यावसायिक क्रियाओं का हिस्सा होते हैं, जैसे जनोपयोगी सेवाओं का प्रबंध, यानी हम दैनिक जीवन में जो बिजली है, पानी है, इनका उपयोग करते हैं, जो सरकारी सेवाओं का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जनोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है वातावरण प्रबंध, यानी हमें उन तकनीक का चयन करना है, उन टेक्नोलॉजी को यूज़ में लाना है जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित ना हो। शिक्षा प्रबंध, यानी प्रशिक्षण प्रदान करना, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग देने का कार्य शिक्षा प्रबंध के तहत होता है। अगला है प्रतिरक्षा प्रबंध। प्रतिरक्षा मतलब अपनी सेफ्टी पहले से बना करके रखना, जैसे हम लोग बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस जो करवाते हैं वो भी प्रतिरक्षा प्रबंध का ही एक भाग है। इसके अलावा जैसे हमारे देश के अगर हम बात करें तो देश के जो बाउंड्री होती है, बॉर्डर होती है, हम वहाँ पर अपनी जो सेनाएँ होती हैं उनको तैनात करते हैं, किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए, तो ये प्रतिरक्षा प्रबंध के अंतर्गत आता है। न्याय प्रबंध, उपभोक्ता जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है, अगर कोई असुविधा हो रही है तो उनको होने वाली असुविधा के लिए न्याय प्रबंध कार्य करता है, जो उनको न्याय दिलाने का काम करता है। और उसके बाद में आता है तकनीकी प्रबंध, टेक्नोलॉजी, नई नई जो तकनीकी आ रही है उनका खोज करने का कार्य तकनीकी प्रबंध के तहत किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नवीन क्रियात्मक क्षेत्र की, जो हमारे लिए उपयोगी रहेंगे। सबसे पहले सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध। सार्वजनिक उपक्रम कौन से होते हैं? जो सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं, तो ये सरकार सार्वजनिक उपक्रम कराते हैं और इनका प्रबंध किया जाता है। सेकंड आता है आयात निर्यात प्रबंध, क्या हमें इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, विनियोग या पोर्टफोलियो विनियोग कह सकते, विनियोग और एक होता है पोर्टफोलियो, यानी कि हमें अपने संस्थान को निरंतर चलाने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश के या बाहरी व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए पोर्टफोलियो या विनियोग शब्द का यूज किया जाता है और लोगों को आमंत्रित किया जाता है उस उपक्रम में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये शेयर के रूप में होता है, अंश जो होते हैं अंश के रूप में विनियोग किया जाता है। उद्यमिता प्रबंध, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमी जो वास्तव में उस उपक्रम का क्या कर रहा है, जोखिम को वहन कर रहा है। उद्यमी क्या करता है? जोखिम को वहन करता है। तो जोखिम को वहन करने वाले उस उद्यमी के लिए भी प्रबंध होता है। लघु व्यवसाय यानी जो छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनका प्रबंध, जो फर्म होती है व्यापारिक फर्म जैसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म कहते हैं उनका प्रबंध, थोक और फुटकर व्यापार यानी जो ठेले लेके बैठते हैं लोग उन्हें फुटकर कहते हैं, और होलसेल के रूप में जो सामान या सामग्री आपको जहाँ अवेलेबल होती है वो आपका कराता है थोक व्यापार। तो ऐसे में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार इन दोनों के संबंध में प्रबंध का कार्य होता है। जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंध, रिस्क फैक्टर, और रिस्क को वहन कौन कर रहा है? उद्यमी। तो जोखिम और सुरक्षा प्रबंध यानी कि ये सीधे सीधे बात किसकी कर रहा है, ये बीमा की, इंश्योरेंस की बात यहाँ की जा रही है। उसके बाद में आता है विपणन शोध प्रबंध, मार्केटिंग करनी है, मार्केट में जो संभावित उपभोक्ता है उनका पता लगाना है, उन संभावित उपभोक्ता का पता लगा करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कार्य करना है। परिवर्तन प्रबंध, परिवर्तन मतलब जो कुछ चेंज हो रहे हैं, जो कुछ बदलाव हमें आ रहे हमारे जीवन में आ रहे हैं उन बदलाव को स्वीकृत करते हुए उनका मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंधन करना। कार्यक्रम प्रबंध, क्या कुछ कार्य हमारे यहाँ संपादित करने हैं, हमें कहाँ किन क्रियाओं में भाग लेना है, तो ये सब कार्य जो होते हैं वो आपके कार्यक्रम प्रबंध के तहत किए जाते हैं। संघर्ष, देखिए हर एक व्यावसायिक संगठन जो है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ में जुड़ा हुआ है।
अब जो प्रतिस्पर्धा वो कैसी है, वैश्विक है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो हमारे साथ सामने है उसमें हमें कई प्रकार के संघर्ष करने होते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष का प्रबंध होता है, सीखने का प्रबंध, हर दिन जो कुछ नया होता है हमारे को उसको सीखना होता है, और सीखने को हमें क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है, क्योंकि अगर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। समय का प्रबंध, समय का भी ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं अपन, उचित समय में हमारा कार्य संपादित हो जाए। ज्ञान का प्रबंध, आपके पास में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होना चाहिए, जो सीधा सीधा आपके इस क्षेत्र में शिक्षा प्रबंध के बारे बात की थी उसी से जुड़ा हुआ है। ज्ञान मतलब वही शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये सब है प्रबंध के क्षेत्र, जिसमें आपने देखा क्रियात्मक क्षेत्र में व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक और नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। अब हम आगे बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति की, नेचर कैसा है इसका। तो उसके नेचर को लेकर के सभी जो प्रबंध शास्त्री हैं अपने अपने अलग अलग मत देते हैं, देखते हैं किसका क्या मत है इसमें। बात कर रहे हैं प्रबंध की प्रकृति की, नेचर की, कि प्रबंध का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। और जब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो चीज आती है वो ये आती है कि प्रबंध जो है वो बहुविधा के रूप में है। शब्द है बहुविधा, विद्या नहीं है, मतलब ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा क्या कहलाती है, विधा कहलाती है। और प्रबंध एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे ज्ञान की जो शाखाएं हैं उनका समावेश है। कैसे हैं बात करेंगे हम आगे इसके बारे में भी। तो प्रबंध में विज्ञान, विज्ञान में आपकी चाहे वो रसायन विज्ञान हो या आपकी भौतिक विज्ञान, राजनीति हो, भूगोल हो, इन सब का समावेश है, और शास्त्र का भी इसमें समावेश है, मानव शास्त्र भी इसमें इंक्लूड है, मनोविज्ञान भी इसमें शामिल है। कैसे हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से क्या क्या इसमें शामिल है। पहले बात करेंगे अपन अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के संबंध में प्रबंध का जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है, संसाधनों का चयन करना। हम जो संसाधनों का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, अर्थशास्त्र से, और उनका कुशलतम उपयोग करना ये हमें कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, राजनीति विज्ञान हमें क्या बताता है। तो देखिए राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि किस प्रकार से संगठन बनते हैं, उन संगठन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सिद्धांतों का चयन जो है वो हम राजनीति विज्ञान से लेते हैं। तो राजनीतिक संगठन होते ना उसी प्रकार से इसमें जो संगठन है, तो उस संगठन के संबंध में जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, राजनीति विज्ञान से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी से कहते हैं अपन मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। अब साइकोलॉजी यहां क्या करता है, साइकोलॉजी देखता है कि भाई जो कर्मचारी हमारे साथ में जुड़े हैं वास्तव में उनका ओपिनियन क्या है, वो किस लिए हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं, सहायता लेते हैं। तो मनोविज्ञान से हमें पता चलता है कि वास्तव में जो कर्मचारी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वो किस लिए जुड़ा है, वो वास्तव में अपने जीवन में क्या करना चाह रहा है, और उसी आधार पर हमें पता चलता है कि हमें उसे अपने संस्थान में रखना है अथवा नहीं रखना है। तो अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। इसके बाद में आपका आता है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में क्या होगा,
तो देखिए समाजशास्त्र में चूंकि मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो इसके संबंध में मानव के जीवन में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनके संबंध में निर्णय लिया जाता है। और वे सब हमें कहाँ से पता चलते हैं? समाज से पता चलते हैं। इसके बाद एक अंतिम और रह जाता है आपका, वो होता है आपका मानव शास्त्र। यानी मानव द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनके संबंध में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मानव शास्त्र से मिलती है। तो प्रबंध को बहुविधा के रूप में क्यों माना जाता है? तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, अलग अलग ये सब विधा है, और विधा क्या होता है? ज्ञान की स्वतंत्र शाखा। और इस ज्ञान की स्वतंत्र शाखा को क्या कहा जाता है? विधा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रबंध जो है वो इन सब के सहयोग से डेवलप हुआ है। प्रबंध का विकास जो हुआ है वो सब इनके सहयोग से हुआ है। आगे बात करते हैं हम प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद रहता है। क्या मतभेद है? कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे कला मानते हैं, और कुछ जो प्रबंध शास्त्री हैं वो इसे दोनों मानते हैं। तो इससे पहले हमें ये पता लगाना है कि विज्ञान होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं अच्छे से कि विज्ञान में कारण और परिणाम का संबंध होता है। कोई घटना घटित हुई, किस कारण से हुई और उसका परिणाम क्या हुआ, और इन सबको हम क्या कर सकते हैं? प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं। हम इन सबको प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। और विज्ञान में जो कुछ भी प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है उसे हम सर्वत्र समान रूप से लागू कर सकते हैं। जो कुछ भी हमने प्रयोगों के द्वारा, हमने जो लैब में जो टेस्ट किए हैं, परीक्षण किए हैं, उन परीक्षण के मार्फत हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ऐसी घटना होती है और ऐसा होने पर ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो परफेक्ट उसी रूप में होगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में उसे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कारण परिणाम का संबंध प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाएगा, और जो प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया है वो सर्वत्र उसी रूप में लागू होगा। इसलिए विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। विज्ञान के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहे कोई भी देश हो, कैसे भी परिस्थिति हो, उनमें समान रूप से लागू होते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहा गया कि प्रबंध है वो भी क्या है? विज्ञान है। कैसे? क्योंकि प्रबंध में भी क्या है? सिद्धांत है, और इन सिद्धांतों के बेसिस पे ही ये कार्य करता है। प्रबंध भी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। हाँ, इसके बारे में एक और मतभेद ये भी है कि प्रबंध में करीबन 5 दर्जन सिद्धांत हैं। 5 दर्जन जो सिद्धांत हैं प्रबंध में दिए गए हैं। चूंकि प्रबंध में भी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सिद्धांत को लागू किया जाता है, इसे विज्ञान तो माना जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में शुद्ध रूप से विज्ञान है? नहीं, प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है। ध्यान रखिएगा, कैसा विज्ञान है ये? यथार्थ, मतलब जो विज्ञान से परे है, बिल्कुल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान की कुछ बातें हैं इसमें, लेकिन परफेक्ट रूप से विज्ञान नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सभी जगह सर्वत्र समान रूप से लागू नहीं होते हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके परिस्थिति जन्य, परिस्थिति के अकॉर्डिंग लागू होते हैं। ध्यान रखिएगा, और यथार्थ विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि इसके जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक नहीं है। कैसे हैं? परिस्थिति जन्य। एक देश की अगर बात करें ना अपन, तो एक देश में भी विभिन्न संगठनों में, विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों में भी ये जो है वो कैसे हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसलिए कैसे नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है। तो इसलिए प्रबंध को विज्ञान तो माना जाता है, लेकिन कैसा विज्ञान है? ये अयथार्थ विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान नहीं है, शुद्ध विज्ञान नहीं है। बात करते हैं कला की। अब जैसा आप सब जानते हैं कि कला क्या होता है, किसी भी कार्य को आप जितने चतुराई से कर रहे हो, जितने अच्छे से कार्य को कर रहे हो, उस कार्य को करने की आपकी जो चतुराई है उसे ही तो कला कहा जाता है। आप कितनी दक्षता से किसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं, तो आपकी उस कार्य को करने की जो दक्षता है, उस दक्षता को क्या कहता है? कला कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि प्रबंध को करने के लिए कला क्या आवश्यकता होती है। हमें जो कार्य करना है उसको करने के लिए हमें हमारे पास में चातुर्य भी होना चाहिए, ज्ञान चातुर्य भी जरूरी है, और उसके संबंध में समस्त जानकारी भी पता होना चाहिए, उन्हें कैसे लागू करवाना है ये भी पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो विज्ञान भी है। विज्ञान कैसा? अयथार्थ विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अयथार्थ विज्ञान भी है और साथ में कला भी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रबंध कला है या विज्ञान, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि प्रबंध जो है वो विज्ञान और कला दोनों का मिश्रित रूप है। लेकिन अगर विज्ञान की बात की जाए तो ये विशुद्ध विज्ञान न होकर के, यथार्थ विज्ञान न होकर के कैसा विज्ञान है? अयथार्थ विज्ञान है। यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम प्रबंध पेशे के रूप में। हाँ दोस्तों, मैंने पेशा लिखा है, नॉट पैसा, ठीक है ना? तो पेशा मतलब प्रोफेशन, आप इसे कहीं मनी ना समझ ले, ये मनी नहीं है। यहां पर पेशा का मतलब होता है प्रोफेशन। अब होता क्या पेशा, सबसे पहले ही जान लेते हैं हम। तो देखिए, जब किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास में जो विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके बेसिस पे हम अपनी सेवाएं देते हैं, पेशे में सेवाएं दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो पेशेवर व्यक्ति जो होता है उसके पास में जो स्पेशल ज्ञान है किसी वस्तु के रिलेटेड, उस ज्ञान के कारण ही उसे क्या कहा जाता है? पेशेवर कहा जाता है। तो पेशा क्या हो जाएगा? जब किसी कार्य को करने के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की जो आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं पेशा। तो प्रबंध भी एक पेशे के रूप में, क्योंकि प्रबंधक क्या करता है? अपनी सेवाएं देता है। प्रबंधक अपनी सेवाएं देता है, इसलिए प्रबंध को पेशा माना जाता है। लेकिन इसमें भी मतभेद होता है। क्या मतभेद है? कि ये जो पेशा है ये भावी पेशा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि जो प्रबंधक होगा उसके पास में BBA या MBA जैसी जो प्रबंध के लिए जो योग्यताएं होती हैं, ये होना अनिवार्य नहीं है। जबकि हम देखते हैं, अगर हम बात करें डॉक्टर की या वकील की, तो इनके पास में योग्यता का होना जरूरी है। यहां योग्यता कैसी है? यहां योग्यता अनिवार्य है, जबकि प्रबंधक में इनका होना अभी तक अनिवार्य नहीं है। तो अभी तक हम इसको
पेशा मान रहे हैं, लेकिन कैसा पेशा है? भावी पेशा, यानी आने वाले समय में जब प्रबंध के लिए निर्धारित योग्यता होगी और उन निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति को ही प्रबंधक के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तब ये पूर्ण रूप से पेशा कहलाएगा। अभी ये पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। कैसा पेशा है? ये भावी पेशे के रूप में है। प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अच्छा, मेरे कथन को ध्यान रखना है यहां पर आप लोग। मैंने लिखा है प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंध जो है वो सर्वत्र लागू होता है। प्रबंध सर्वत्र यानी पूरे संसार में, इस संसार में जितने भी देश हैं उन सभी देश में सभी देशों में लागू होता है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी संगठन हो, संगठन चाहे छोटा है या बड़ा, बिल्कुल एक छोटा ठेले वाला भी प्रबंध करता है और एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी प्रबंध करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो कैसा है? सार्वभौमिक है, सभी जगह लागू होता है। लेकिन एक बात इसमें आपको और ध्यान रखनी है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते। तो कैसे होते हैं ये? ये होते हैं परिस्थितिजन्य। यानी जहां इनको लागू किया जा रहा है उस देश की स्थिति के अकॉर्डिंग इनमें परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आएगा, इसलिए कैसे होते हैं? परिस्थितिजन्य होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वे सार्वभौमिक न होकर कैसे हैं? परिस्थितिजन्य है, जबकि प्रबंध कैसा है? सार्वभौमिक है। प्रबंध सभी जगह लागू होगा, लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत है वो कैसे होंगे? परिस्थितिजन्य होंगे। आज के लिए इतना ही। आपका जो चैप्टर था प्रबंध के परिचय के संबंध में, उसकी प्रकृति और महत्व और उसका क्षेत्र, हम इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और कुछ बेटर लेके आएँ। थैंक यू।